Dear students and friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic is self-awareness and self-motivation. We are continuing this session from the last topic that we discussed on self-management. So this is a part of that unit only. In this session, we are going to discuss self-awareness, strength and weakness analysis, techniques of finding strengths and weaknesses. Then we will discuss self-motivation, qualities of self-motivation and building self-motivation. So this is going to be very important session for you. So please stay with us and let us get started. So, सबसे पहले हम देखेंगे self-awareness क्या होता है. Being self-aware means identifying your strengths and weaknesses. आपको अपनी weakness और अपनी strengths के बारे में पता होना चाहिए. तो जब आपको पता होगा तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करके उनको एक ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट बना सकते हो. सिमिलरली जब आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा तो आप अपनी वीकनेस में इम्प्रूवमेंट लाके उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो. लेकिन ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपको अपने बारे में पता होगा, व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर. सबसे पहला स्टेप है इसके लिए नोइंग योर सेल्फ. आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी बिलीव्स पता होनी चाहिए, आप किस चीज में यकीन रखते हो. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी चीज में आप इम्प्रूव आपने इससे पहले अचीव किया है, कौन सी चीज में आप में आपके नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है. उसके बाद आपके ओपिनियंस क्या है, उसके बाद आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, कौन सी चीज आपको पसंद है, कौन सी चीज आपको पसंद नहीं है. एट द एंड आपको पता होना चाहिए आपकी वैल्यूज क्या है. तो जब ये सब एनालिसिस करके आपको अपने बारे में पता चलेगा तो आप अपने आप को बेहतर समझ पाओगे. उसके बाद आप ये भी रियलाइज कर पाओगे आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. तो ये सब एनालिसिस करके आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में. तो स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी गुड एट प्लेइंग, मैं किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छा हूं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है. तो आपको अपने बारे में पता होने के बाद ये सब पता चलेगा कि यू आर वेरी गुड एट प्लेइंग और you are very good at singing or you are very good at communicating with people. तो ये आपकी strengths है. Weakness क्या हो सकती है, you are very shy or you lack in confidence or you are very bad at solving math problems. तो ये weakness हो सकती है. तो ये सब strengths और weaknesses आपको तभी पता चलेंगी जब आपको पता होगा अपने बारे में, आपको अपनी हिस्ट्री पता होगी, आपने अच्छी तरह से अपनी एनालिसिस की है, अपना रिव्यू लिया है, अपने बारे में सोचा है. तो ये सब डेटा तभी जमा होगा आपके पास जब आपने अपनी पूरी हिस्ट्री और अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को पहचाना होगा, तो तभी आप आगे जाके अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हो. सो वंस वी आर डन विथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गुड एट and what we are bad at, what we can do and what we cannot do. So this can be achieved once we know ourselves. So after that information, we can use and that information in planning our next step. So when we plan our next step, we can choose our goal and we can have focus. And by planning our next step, we can improve on our strengths and work on our weaknesses, and we can develop confidence in our day-to-day activities. So now we will discuss what are the techniques of finding our strengths and weaknesses. सबसे पहले हम देखेंगे strengths को trace out करने की सबसे सबसे आसान technique क्या है. हम ये पहले सबसे पहले देखेंगे कि अपनी history में जाके हम देखेंगे what are the things that we have been successful at. हम कौन सी चीजों में हमने कामयाबी हासिल की है. उसके बाद हम फीडबैक लेंगे अपने पीयर से, अपने दोस्त से, जो भी हमारे वो कौन सी चीज हमें लाइक करते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. या हम सीधे वी विल स्टॉप एंड थिंक अबाउट व्हाट
वी रियली डू वेल इन लाइफ, हम कौन सी चीजों में अच्छा करते हैं, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ, सो दैट वी कैन होल्ड ऑन टू देम एंड इम्प्रूव देम एंड मेक देम इनटू समथिंग वेरी गुड. और वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे पास क्या टेक्निक है, हम ओपन टू क्रिटिसिज्म रहेंगे, एनी व्हाट एवर फीडबैक कम्स आवर वे वी कैन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. वंस वी एक्सेप्ट दैट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट आर आवर व्हाट माय वीकनेसेस आर एंड इन व्हिच एरियाज आई नीड टू वर्क. वी कैन फाइंड आउट वेयर इन व्हिच एरियाज आई स्ट्रगल, सो दे दैट इज द इजिएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग योर वीकनेसेस. So, or simply, we can ask the following questions. What people admire in me? What I am good at? Why do I lack or why do I struggle in things? So, by asking most relevant questions, you can get the most relevant answers. Then it comes down to interests and abilities. Aapki interests kya hai aur aapki ability kya hai? Interest hota hai the things you like doing and the things that make you happy. Or interests are those things which make you curious. On the other hand, abilities वो चीज होती है कि आप capable हो कोई चीज करने के लिए. Your proficiency, your capability of doing a particular thing is your ability. So, once you know your interests, then you have to find out your abilities as well. आपकी सलाहियत है कि नहीं है. Now we will discuss सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन होता क्या है? बचपन में सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी, तो उसमें कौन जीता है? Who won wins the race? Tortoise. Despite being slow. क्यों? क्योंकि the key to winning his race was his self-belief and his patience. Despite lagging behind, he never loses his patience and he stays motivated and crosses all the hurdles. So, usse kya pata chalta hai hame ki self-motivation kitna important hai life mein. Self-motivation hota hai apne aap ko convince karna aur apne aap pe believe karna ki you can do it. Self-motivation ke two types hote hain. Ek hota hai internal motivation, dusra hota hai external. Internal motivation kab hoga? इंटरनल मोटिवेशन तब होगा जब आप अपने आप पे बिलीव करोगे और अपने आप से पता होगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और एक किस्म का सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करोगे और आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी खासियत है और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करोगे. एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जब आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको कोई अच्छा फीडबैक मिलेगा, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेंबर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा एज मिलता है आपको लाइफ में. इंटरनल मोटिवेशन भी एक बंदे के लिए जरूरी है और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में. कभी कभी दोनों की जरूरत पड़ती है. कभी आधे लोग ऐसे भी होती है जिन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की बहुत कम जरूरत पड़ती है और दे नेवर वरी अबाउट पीपल टू मच. दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड दे स्टे फोकस्ड इन देयर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के बारे में आप एग्जाम के लिए सुबह 5 बजे उठते हो, प्रिपरेशन करते हो, टीचर के पास जाते हो, ऑनलाइन क्लास से लेते हो, तो दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. आप खुद को मोटिवेट करते हो कि आपको ये गोल अचीव करना है. दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल? जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं लोग, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे नो What they want in life. उनको पता होता है कि हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए, हमें कौन किस चीज की जरूरत है और हमें हमारा एम और एम्बिशन क्या है. तो दे नो अबाउट दैट. उसके बाद दे स्टे फोकस्ड. उनका फोकस होता है उसी चीज के, एक ही उसी रास्ते पे रहते हैं वो लोग. वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वो अपने एम पे फोकस रहते हैं और उसी पे काम करते हैं, उसी के लिए मेहनत करते हैं एंड ऑलवेज लुक इन द राइट डायरेक्शन. उसके बाद दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट. व्हेन वी स्ट्राइव टू अचीव समथिंग इन लाइफ, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो अनप्रोडक्टिव भी होंगी और प्रोडक्टिव भी होंगी. तो
उनसे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन सी चीज मेरे एम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज प्रोडक्टिव है, कौन सी चीज प्रोडक्टिव नहीं है। सो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, दे होल्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओनली, दे लेट गो ऑफ द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड अनप्रोडक्टिव थिंग्स एंड होल्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट हेल्प देम इन अचीविंग देयर गोल्स। एंड लास्ट क्वालिटी दे हैव, दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड देयर गोल, वो डेडिकेटेड रहते हैं अपने गोल, दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड दे स्टे देयर आईज ऑन देयर गेट। So there are those people who are self-motivated in life and there are those people who have to build self-motivation. So what are the ways to build self-motivation? The process is like this. First, you have to know about your strength. आपको अपनी strength के बारे में पता होना चाहिए. What are your strengths so that you can go in that direction only. आप उसी field में जाओ जिसमें आपकी strength है. For example, कोई बंदा cooking में अच्छा है. He is very good at cooking, so he should pursue that goal only. Second, set and focus on your goal. जो आपका goal है, if you are good at cooking, so you can become a chef. You can become a professional chef. So आपके को अपने goal पे focus रखना पड़ेगा, तो उसी field में आपको pursue करना पड़ेगा. Then you can develop a plan and work towards your goal. जो आपका goal है chef बनने का, तो आप उसी institute में जाओगे, उसी की training लोगे, उसी field में आप excel करोगे, और hotel management institute या कोई और अपने field में singing में literally art institute join करोगे, तो उसी फील्ड में आप जाओगे जिस फील्ड में आपकी स्ट्रेंथ है. एंड एट द एंड यू हैव टू स्टे लॉयल टू योर गोल. अगर हर किसी फील्ड में हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो यू हैव टू स्टे लॉयल टू योर गोल. अगर एक दरवाजा बंद होता है तो बाकी दरवाजे खुल जाते हैं. आपको उसी फील्ड में अलग अलग ऑल्टरनेटिव वेज से इंप्रूवमेंट लाने की है थ्रू डिफरेंट चैनल्स. एक इंस्टीट्यूट में नहीं एडमिशन नहीं मिला, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओगे. सो एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन. एक प्रॉब्लम आ गई तो उसका सोल्यूशन निकाल, एक वे से इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो दूसरे वे से ट्राई करेंगे. सो यू हैव टू स्टे लॉयल टू योर गोल. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज एंड आई होप यू लाइक द सेशन. प्लीज प्रोवाइड अस योर फीडबैक. अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू.